फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो ये वीडियो मुझे कल डालना था फ्रेंड, लेकिन मैं कल नहीं डाल पाई। तो ये है मकर संक्रांति के दिन का वीडियो, तो मैं इसको आज डाल रही हूँ। तो फ्रेंड, ये है नहाने धोने के बाद, पूजा करने के बाद ये हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। तो आज हम लोगों का जैसा कि मकर संक्रांति को दही चूड़ा, तिल का लाई, ये सब खाते हैं। तो ये हम लोग अपनी प्लेट लगा रही हैं फ्रेंड। तो और आइए, आप लोग भी खा लीजिए। और ये देखिए, किचन में मेरी सब्ज़ी बनाई है। आज मैंने सिर्फ सब्ज़ी बनाई है, क्योंकि आज दाल चावल हमारे यहाँ नहीं बनता है। और अभी ये दिन में हम लोग ये खाते हैं, और रात में खिचड़ी बनती है। तो फ्रेंड, ये वीडियो डालने में थोड़ी देर हो गई है। तो फ्रेंड, तो फिर भी बिलेटेड हैप्पी मकर संक्रांति। तो फ्रेंड, आप लोग बताइए, आप लोग यहाँ कैसे मनाई जाती है मकर संक्रांति? हमारे यहाँ तो नहीं है। जो भी तिल के मतलब लड्डू वगैरह होते हैं, और जो भी मीठा वगैरह होते हैं, वो आज हम लोग भोग लगाते हैं भगवान को। और आज है ना, दान भी किया जाता है। आज गंगा स्नान का भी नियम होता है, लेकिन इतनी सर्दी में कौन जाए गंगा स्नान करने? लोगों ने घर में स्नान किया है। और आज दान का भी महत्व है। तो दान करने के बाद खाना हम लोग खाते हैं सभी। और फ्रेंड, मैंने कोई भी है ना लाई वगैरह घर में नहीं बनाया है, सब कुछ रेडीमेड है। वैसे मैं जानती हूँ बनाने, लेकिन मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि है ना, मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे को ना पसंद नहीं है ये मतलब चूड़ा या मूली का लाई, ये तिल का। तो ये तिलकुट भी है ना, ये सिर्फ मेरे हस्बैंड को पसंद है, और मेरे बेटे को तो इसमें से कुछ भी वो नहीं खाता है। तो मैं इसलिए घर में नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मैं जब भी बनाती हूँ वेस्ट जाता है, लोग खाता ही नहीं है। वो डब्बे में पड़े पड़े फिर वो वेस्ट हो जाता है, और अकेले ना खाने का भी दिल नहीं करता है। तो थोड़ा बहुत मैं ही खाती हूँ, वो भी दही के साथ। तो हस्बैंड ले आते हैं, और पूजा वगैरह के लिए भी लाना पड़ता है, तो इसलिए आते हैं। अभी हम लोग खाना खाने बैठ गए। ये देखिए फ्रेंड, हम लोग कहाँ आ गए अपने फ्रेंड के साथ। आज जा रहे हैं हम लोग घूमने, कहीं घूमने जा रहे हैं दही चूड़ा पचाने के लिए। हम लोग आ गए हाईवे पे, आप लोगों को दिखाते हैं। और ये फ्रेंड, हम लोग खाने के बाद दोपहर में निकल गए हैं घूमने के लिए। मैं और आंटी और हमारी जो फ्रेंड और रहती हैं हमारे साथ, तो हम लोग निकल गए हैं। आज फूल हम लोग आवारा हो गए हैं, चूड़ा खा लिए और निकल गए। और आपके आएंगे तो दही चूड़ा एक बार खाने के बाद खाया जाता है। आएंगे तो क्या करेंगे, घूर घूर करके चल देंगे अपना, लौट तो खोजेंगे। देखते होंगे ना, सबको बोले मैं जा रही हूँ घूमने टहलने, इतना सा हम लोग भी रोजे घूमेंगे तो। और ये फ्रेंड, हमारे घर के पास ही ये हाईवे है, और ये अभी 4-5 साल पहले ही बना है। तो हम लोग ये शॉर्टकट रास्ते से ही है ना जा रहे हैं हवाई अड्डा, यानी कि ये एयरपोर्ट हमारे घर के पास ही है। तो ये हम लोग साइड से है ना, मतलब मेन रोड से नहीं होकर शॉर्टकट रास्ते से जा रहे हैं घूमते हुए, क्योंकि मौसम भी अच्छा था। और आज कुछ काम भी नहीं था घर में, क्योंकि खाना एक बार सबने खा लिया था दही चूड़ा, तो फिर दिन भर कोई कुछ खाने वाला नहीं है। तो हम लोग निकल गए हैं फुल इंजॉय करने के लिए। तो आप लोग भी आप चलिए हमारे साथ हमारे शहर का एयरपोर्ट देखने के लिए। और ये रास्ते में फ्रेंड एक जगह देखिएगा, मैं दिखाऊंगी आपको, बहुत सारे पैरोट, एक हाउस है उसमें ना पैरोट हाउस बना रखा है। और लोग जब भी जाते हैं तो मैं इससे ज़रूर एक बार देखती हूँ, मिलती हूँ, मुझे अच्छे बहुत अच्छे लगते हैं पैरोट। हम लोग नया इंसान आ गया ना, कुछ और लाख ले जाने मीठू किसमें मीठू बोल, बोलो बोलो मीठू। वही तो है लबस, वो जो है ना वो खाली सिटी बाजाता है, वो जो है ना खूब जोर सिटी मारेगा।
सिटी मार्केट खाली है। इस हाउस में फ्रेंड ना बहुत तरह तरह के पैरोट हैं, छोटे बड़े और कलरफुल। तो हम लोग ना पहले इस रास्ते से हमेशा जाते थे एयरपोर्ट मॉर्निंग वॉक के लिए, लेकिन ये कोरोना की वजह से हम लोग 2 साल से घर में बिल्कुल पैक हो गए। नहीं तो हम लोग मॉर्निंग में हमेशा मतलब सभी लेडीज़ मिल के सुबह मॉर्निंग में ही जाते थे और इसी रास्ते से जाते थे। और हम लोग ये पैरोट हाउस में रुक के थोड़ा बहुत इसको देखते थे, इससे बातें करते थे। और ये देखिए इसी घर में ना फ्रेंड दो डॉगी भी था, तो इसको वो भी गेट पर बैठा हुआ था। तो हम लोग जब इधर से निकलते हैं तो इस घर में हम लोग को इतना अच्छा लगता है ना पैरोट को देख के। और ये फ्रेंड हम लोग पहुँच गए हैं एयरपोर्ट। तो ये देखिए हमारे एयरपोर्ट का नज़ारा। ये देखिए फ्रेंड ये हमारे है ना शहर का एयरपोर्ट है। और यहाँ देखिए गाय भैंसे चल रही है। यहाँ बस जब कोई नेता आने वाले होते हैं ना तब थोड़ी साफ सफाई होती है, बाकी ऐसे गंदा ही रहता है। ये हमारे शहर का हाईवे है, ये सॉरी एयरपोर्ट है। ये हमारे घर से ना पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो हम लोग देखते हैं अभी चल के आ गए 15-20 मिनट में है। तो हम लोग बस फुल मस्ती के मूड में है, निकल गए घूमने। ये देखिए फिर आज हम लोग फुल मस्ती के मूड में है। बच्चे को हस्बैंड को छोड़ दिए घर में और आज हम लोग फुल आवारा गर्दी करेंगे, दही चूड़ा पचाएंगे। बस आज हम लोग के ग्रुप में 3 ही है, बाकी सभी अभी घर में पैक है। सबको कोरोना का बहुत ज्यादा डर है, हम लोग को थोड़ा कम डर नहीं फ्रेंड, डर तो हम लोगों को भी है मगर हम लोग पूरा प्रोटेक्शन के साथ आए। ये देखिए हम लोग भीड़ भाड़ में नहीं जा रहे, बिल्कुल अकेले घूम रहे हैं। यहाँ देखिए कितना अच्छा मतलब ना ये आता है सीन खुला में, बहुत अच्छा है। तो चलिए बैठ। और फ्रेंड ये देखिए हमारे शहर का एयरपोर्ट कितना गंदा है। यहाँ ना जब कोई नेता वगैरह आने वाले होते हैं ना तब थोड़ी साफ़ सफाई होती है, क्योंकि यहाँ सिर्फ हेलीकॉप्टर उतरता है। और अभी कुछ नहीं है, कोई इलेक्शन नहीं, कोई चुनाव नहीं है हमारे बिहार में, तो ये गंदा पड़ा है। तो ये हम लोग थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे और उसके बाद घर के लिए निकलेंगे। और ये फ्रेंड ना हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, 20-25 मिनट लगते हैं आने में। तो हम लोग पहले तो हमेशा टहलते टहलते आ जाते थे, लेकिन कोरोना की वजह से अब हम लोग नहीं निकलते हैं ज़्यादा। वैसे यहाँ आने के बाद भीड़ भाड़ नहीं होती है, सब अपने अपने ग्रुप में खेलते हैं। यहाँ बच्चे भी और ये भी मतलब बाइकर मतलब जो बाइक सीखने वाले हैं वो सब यहाँ आते हैं ज़्यादा, और मॉर्निंग वॉक वाले। पहले तो यहाँ ना ये योगा का क्लास भी चलता था, लेकिन कोरोना जब से हुआ तब तो सब कुछ बंद कर दिया गया। तो फ्रेंड आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा कॉमेंट में, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बाय, हैव अ नाइस डे।